कहियो ने जा कुछ बड़े देखा लिए हैं वीडियो करियर हले तो सब पता पैसा भी
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम आपके लेकर आए एक अनोखा होली, जो कि हमारे गांव से एक अलग गांव में आकर हम लोग मनाते हैं। जब तक यहां पर होली ना मनाया जाए, हम लोग अपने गांव में होली नहीं खेल सकते और हमारे ऊपर कोई रंग नहीं डाल सकता। तो ये हमारे पूर्व मुखिया जी हैं, जिनसे आज हम आपको इनसे कुछ सवाल करेंगे, जिनके जवाब ये देंगे, जो कि हमें भी नहीं पता क्योंकि हमारे से बुजुर्ग हैं। और ये भी इनके भी दादा परदादा ने बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर होली मनाया जाता है और ये कहाँ से आया, कब से शुरू हुआ। तो सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, कैसे कैसे होली यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार मुखिया जी, तो पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो हुआ शुभ मौसम राम जी। आपका गाँव का नाम? भानपुर। और सर ये कौन सा गांव का है, ये गांव का नाम क्या है? ये गांव तो नाम है मन्ना। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड हैं वो भी जब से सुने हैं ये बात कि यहाँ पर ऐसा होली मनाया जाता है, तो वो भी बोले कि हमें भी घूमना है। तो कुछ को तो हम लेकर आए, कुछ लोगों को लेकर नहीं आ पाए। तो आप बता सकते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये? हाँ, बता सकते। पहले तो थे एक ही डिस्ट्रिक्ट में जी, मुंगेर जी। लेकिन जब जो है जिला बना लखीसराय से पूरा, तो हमने चले गए लखीसराय जी। लेकिन सदियों से पूर्वज जो है यहाँ आते रहे जी, जो कि हम लोग को बता के न गए। तो आपको समझिए मुखिया जी क्या कर रहे हैं कि इनको भी पता नहीं और इनके पूर्वज, मतलब हमारे भी पूर्वज कौन और कब से ये होली स्टार्ट हुआ मालूम नहीं है। मतलब समझिए कि हम सोच रहे थे 500-600 साल, लगता है हजारों साल से ये होली मनाया जा रहा है और हमें पता भी नहीं है कि कब से मनाया जा रहा है। तो फिर तो आगे उसी के देखते हुए हमने यहाँ आ रहे हैं। इनके कृपा से हमारे गांव बहुत खुशहाल है जी। हमने बचपनों में छत के लिए, पक्का का मकान के लिए जो है तड़पते थे जी, लेकिन यहाँ जब आने लगे तो आज के डेट में मेरे गांव में एक मिट्टी का मकान नहीं है। बहुत खुशी हम लोग को होता है जी, जो कि आज के डेट में संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज जो है 250 जो है बुजुर्ग युवक बच्चा सारे उठ करके गाँव। पहले कितने लोग आते थे? पहले तो आबादी कम था, तो 20 आदमी 25 आदमी 50 आदमी। और इस प्रकार आज के डेट में तो करीब 200 से पार है। मतलब पूरा समझिए, और एकदम आते हैं तो वस्त्रूप से आते हैं, एकदम शाकाहारी। हम लोग जो है पूरे गांव का लोग जो है कल ही से, जिस दिन से एग्जाम मनाया जाता है उसी दिन से हमने शाकाहारी बन के आते हैं। और आ करके मेरे पूर्वजों सदियों जैसे करते आए हैं हरना, जैसे भगवान का नाम लेना है, मुझे भगवान को नाम लेने के क्रम में हमको कुछ गलती भी नहीं करना है, शरीर में गलत चीज़ नहीं प्रवेश करना है। तो आज इनके भजन करते रह जाते हैं, मुझे सुख चैन बहुत मिलता है, मेरे गांव का भी बहुत मिलता है, सारे गांव खुशी में ब्रश करके यहां चले आते हैं। तो मुखिया जी, ये क्या सिर्फ हमारे गांव में जो लोग रह रहे हैं वो भी, या जो बाहर में रह रहे हैं वो भी आ जाते हैं? नहीं, बाहर में जितने भी गांव के लोग हैं और अगल बगल के गांव के लोग भी अब आना शुरुआत कर दिए। पूजा के बारे में सभी को पता होगा आजू बाजू के लोगों को कि हाँ, यह मन्ना में बहुत बढ़िया से होली मनाया जाता है। खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया से, पूरे इलाके में पता है, तो पूरे इलाका जानता है कि भानपुर का लोग, सजाइन का लोग जो है मन्ना जाते हैं हर साल पूर्वजों से वहाँ होली मनाने के लिए। ये प्रथा कब से चली आ रही है? ये तो कहे नहीं कि सदियों से, सदियों से चला आ रहा है। हम कह नहीं सकते क्योंकि मेरे अगला जो थे वो ने मुझको कहे, क्योंकि वो भी कहते थे कि सदियों से चला, कब से चला आ रहा है, कोई नहीं बता पाएगा कि कब से चला आ रहा है। हम तो यहाँ देखते हैं कि बजरंगबली का मंदिर है,
और इस गांव में जब तक जो है बजरंगबली पर रंग अबीर नहीं चढ़ता है तब तक जो है पब्लिक को किसी व्यक्ति पर रंग नहीं बरसता है। और मात्र जो है इस गांव या उस गांव के मानिए और अगल बगल का गांव को मानिए एक ही वो उनका जो है ध्वजा है। अब उस ध्वजा में पता नहीं चलता है कितने पताखा रहते हैं। अच्छा, उस पताखे से भी हम लोगों ने प्रतिभा लिए कि पताखा में क्या गुण है। तो यहाँ से जो है जब वो पताखा गिरता है तो यहाँ का हम लोग को गांव का लोग जितना भी लड़का बुतरू है उसको उखाड़ करके प्रसादी बना करके ले जाता अच्छा, है अच्छा। और किसी प्रकार जानवरों के साथ असुविधा होने के कारण में यदि इनके नाम से उसके गियारी में बांध दिया जाता है तो हम देखते हैं अच्छा हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप जो पताका वहाँ से समझिए एक ध्वजा है आपको मैंने वीडियो में पहले दिखाया, उस ध्वजा से मतलब पिछले साल का ध्वजा से अगर उसमें से पताका अगर सभी लोग प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं, अगर घर में किसी को दुख तकलीफ हुआ, इनका कहने का मतलब है वो जानवर इंसान हो या जानवर किसी को भी कोई दुख तकलीफ हुआ तो उसमें से अगर उसको गले में बांध दिया जाता है तो उनका दुख तकलीफ दूर हो जाता है, यही ना मुखिया? हाँ जी। तो ये मैंने देखा अभी पताका में बहुत सारे पताके बांधे हुए हैं और एक ही ध्वजा है, ऐसा क्यों दो ध्वजा तो रह सकता है? हाँ, और इतने सारे लोग हैं सभी की इच्छा रहता है वही ना होता है जी। सारे जगह पताखा है जी, बजरंगबली का मूर्ति जो है एक से एक है जी। लेकिन हमारे बजरंगबली का मूर्ति देखिए कितना बड़े हैं, कितना बड़ा है, मुश्किल से 5 से 7 इंच होंगे, मुश्किल से 5 से 7 इंच का हनुमान जी है। और वो भी बहुत सालों पुराना, मतलब पुराना सदियों से चला रहा है, वो एक सिंहासन पर है, वो सिंहासन काठ का है, वो कब का है उन्हें भी यहाँ का न पूर्वज ने वहाँ का पूर्वज बताते हैं, वो जहाँ के तहाँ विराजमान है। तो सुने कि वो सिंहासन भी नहीं हिलता है? नहीं, वो सुने कि सिंहासन भी नहीं हिलता जो हनुमान जी का मंदिर हम लोग बनाने के लिए आए जी। तो चारों तरफ उनको घेरा दे के चाल लगा करके बगल से दीवार दे के ऊपर से छत बनाए जो के तो ऊपर हुए है, साइडे से उनको कुछ तरह का सुविधा दी जाए। एक अद्भुत बातें हैं, लोगों का कहना है कि आज देवी देवता नीचे नहीं है, मतलब जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं दावा करते हैं कि नहीं देवी देवता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि देखने से, क्योंकि मैं भी इस गांव का हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ बनाकर बोल रहा हूँ या फिर ये बनाकर बोल रहे हैं, लेकिन आपको आकर देखना चाहिए कि ये एक अद्भुत चीज़ है जो बता रहे हैं कि जब मंदिर बन रहा था पहले जब बना था तो पहले टाली का था, उसके बाद अभी आपको मैंने दिखाया पूरा बढ़िया से सुंदर से बनाया गया है, तो बनाने के लिए वो जो सिंहासन था वो नहीं हिला, कह रहे हैं कि वो हिला नहीं, उसके पहले उसको सुरक्षित करके फिर मंदिर बनाया गया लेकिन वो वहाँ से हटा नहीं, तो ये इसका कुछ आपको पता है कि कब से नहीं हिला, ये कैसे है? ये तो कहे ना कि किसी को पता नहीं, सदियों से नहीं जानते हैं लोग तो हम क्या जानेंगे जी जी जी। तो सुनते हैं कि आपका गांव मतलब हमारे गांव भानपुर में और यहाँ मंदा गांव के दोनों पर हनुमान जी का आशीर्वाद है, सही बात है? सही बात। तो अगर कुछ कहानी हो लगता हो कि लोगों को बताना चाहिए जिसके साथ में किसी के साथ में घटित हुआ हो, ऐसा कुछ है? हाँ है, बता सकते हैं? हाँ है, सभी दर्शक भी सुनना चाहेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे। हमने पूरे गांव जी पूरे गांव मिल करके ने मंदिर बनाने का मन बनाए तो यहाँ आए जी, यहाँ आए तो इस गांव का भी सहयोग मिला जी, तो इस गांव का सहयोग मिला तो पूरे गांव आ करके जो करना था कर धर के सोचे सारे गांव यहां बैठे नहीं रहेंगे, तो जिसमें उसमें से बहुत सब लोग जाने लगे, 10-12 गो लोग यहां हम लोग रह गए जी, रह गए। तो यहां जो है शाम जब पड़ा जी तो एक काम यहां जो रहने वाला लोग था उसमें भरत मातो था जी, उसको ने साखर सांप काट लिया। अरे बाप रे, समझे, दिखैला साखर सांप ने काट लिया। आप जब काट लिया जी तो उन्हें जो है यहाँ भाई देहात था तो हम लोग क्या तत्काल करें, परेशानी पूरा आ गया जी। लेकिन हनुमान जी की जगह पर थे, हमने कहे जितना जो है डॉक्टर से ठीक होता उतना भगवान से भी ठीक होता है, अरे भरत तुम पहले जाओ बजरंगबली भी, तुम वहीं जो अपना मुड़ी पटक दो जो करना होगा बजरंगबली करे, ठीक बेचारा जो है वही बजरंगबली भी बैठल रात भर रह गया, उसको कुछ नहीं हुआ। जो आदमी कोई घटना घटते हुए गांव जा रहे थे तो हम लोग घबरा रहे थे जो छूटे यहाँ इसके लेकर के जी। कि जाएंगे गांव तो गांव जाएंगे तो गांव वाला कहेंगे फलना को सांप काट लिया तो गांव में लोग भी घबरा जाएगा, देखिए नीला इनका। तो 4-5 आदमी मास्टर साहब थे, गौरी जी थे और लोग थे, जीते जा रहा था जी।
इनका कृपा ऐसा इसको फिर कुछ होबे नहीं किया, इनको भी समाज पहुंचाने का मौका नहीं मिला, पूरे ना जाते जाते गरीब भी कर गया। अच्छा ये भी देने गया भोरे भरता भी भूल गया घूरने लगा और ये भी अपना घर चल गए, तो इनका कृपा तो अपार है भाई, इनसे क्या कहना है, क्या इसमें क्या कहना है। उनको जो सांप काटा था फिर उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिनको सांप काटा कुछ नहीं हुआ, वो आज भी ठीक ठाक हुआ, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ देखिए अभी फिर आया है। तो मतलब अभी तक उनको कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा मुखिया जी का कहना है। तो मतलब एक अद्भुत चीज, एक और चीज मैंने सुना है कि अगर समझिए कि आप लोग उधर से नहीं आए, किसी कारण से नहीं आए, तो सुनते हैं गांव में आग लग जाता है। हाँ। हुआ है। और अगर पंडित जी इधर से निमंत्रण नहीं करने जाते हैं तो भी आग लग जाता है। ये तो हम भी जानते हैं, पंडित जी तो हर साल चल ही जाते हैं करीब करीब। एक साल ऐसा हुआ था कुछ माह में टूटी हो गई हमारे गाँव समाज से, कि पैदल आना पड़ता था, गाड़ी घोड़ा उस समय था नहीं, वो गाड़ी था तो उसके लेकर के हम लोग आते थे, तो गांव समाज चढ़ करके चल आते थे, दूरी लंबा है जी। लेकिन संजोग उस बार ने हम भी एक ऐसा लोभ में फंस गए कि साला थ्रेसिंग हो रहा है तो 55 मसूरी कमा लेंगे, कहने हम जाए एक राकुल के ढोने मन, तो नहीं आए, एक दो आदमी आए बेचारे, यहाँ आए पूजा पाठ किसी प्रकार किए, कुछ टूटी तो रहे की समाजे नहीं आए, तो दो चार आदमी मिलकर कितना सेवा करते, जितना 5 आदमी मिलकर करेंगे उतना नहीं होता। तो आकर के गए, ये सब लोग गए तो वहाँ ऐसा अनुभूत होने लगा कि ट्रैक्टरवा से कहियो नहीं कुछ होता था, बड़ी बढ़िया ट्रैक्टर है, मेसी ट्रैक्टर था, इसको खाली लुते उड़े भैया सुलभ। हाँ, खरियानी में आग लग जाए, कभी गांव पर आग लगे, पहले तो इसी से ट्रैक्टर बेस लगा खरियानी में, तो उसको बुताया गया, फिर गमा पर लग गया, फिर उसके बगल लग गया, पूरे गांव तो भाग था, अगल बगल के जन आया था सब काटने उठने के लिए, पुली टूट गई उधर जो है, पुली जब टूट गई जिस दिन नहीं आए उस दिन जो क्या हुआ, चाचा दिए हमको 200 रुपया गिरे चाव खाएगा पिएगा, हम भी सोचे मौका मिला धोबिया मरने के दबाग छुट्टी, हम लोग मालिक नहीं है, कहाँ पैसा मिलिए गया था वो घर में रहे, थ्रेसर वाला ने एक बुतरू भेजे ऐसा तीरा के उलट ले सन को कि ओकर पुलिया लगे बहन जो हथौड़ी से चूर दलक टूटिए जे कि ओकरा बनबे वाला मिलले नहीं, 2 दिन जब तक होलिया रहते कहाँ से मिलते, नहीं है मिलले, बाद में भी बने लगे 2-4 दिन भूत नियर उन चल गए, फिर जो है यहाँ अलियो 5 किलो लड्डू ले चल अलियो, गाँव में भी आग लगना बंद हो गए, ट्रैक्टर भी खूब बढ़िया चलो लगले, गाँव का इकबाल भी खूब बढ़िया बढ़ते चले। दोस्तों आपने देखा कि मुखिया जी ने कहा जब देखे कि लड़का पुत्रू नहीं, हम तो सारी बात को देख रहे हैं, हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं, उम्र हुआ 50 चल चुके, तो हम तो लगता है कि 35 बरस से आते हैं लगातार, अब 35 बरस में इनके कृपा से बहुत 35 क्या 35 दही के हम लोग आगे बढ़ गए, कृपा है ऐसा। तो इनको इन्होंने कहा कि ये अपना सोचे कि क्या पूजा करना, चलो अपना पहले काम कर लेते हैं, कुछ इनकम हो जाएगा, वो चक्कर में वो आए नहीं। हाँ। और जिस गाड़ी से इनकम करने वाले थे उसी गाड़ी ने आग लगा दिया और पूरा गांव परेशान। ऐसा नहीं, और कोई गाड़ी वाला चाहता है कि जाएंगे नहीं आता तो वो गाड़ी उलट जाता है। ये एक अद्भुत चीज है कि अगर आप सोच लिए, इवन मेरे साथ भी हुआ, इनका साथ जो है छल नहीं होना चाहिए, ये एकदम सच्चा देवता है, इनको जो पूजा करेगा निश्चित मिलेगा, समझे नहीं, बहुत रात धन दौलत दे देंगे लेकिन आपका सुरक्षा रक्षा कर ही देंगे, जीव पालन कर ही देंगे, तो विशेष से क्या जाएगा। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मेरी मम्मी बोली कि मत जा वहाँ पर, जाएगा ऐसे लोग पीकर तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे, ये झगड़ा करेगा, तू जाएगा तेरे साथ झगड़ा होगा, जिसका नाम लेकर बोल रहे थे कि उसके साथ झगड़ा होने वाला है, वो बंदा नहीं गया और मेरे साथ आगे झगड़ा कर लिया घर में ही। मन्ना क्या जाएंगे, घर में ही झगड़ा हो गया, उस दिन से बड़ा परेशान हुआ मैं, इधर आकर उस साल से मैं पूजा करने लगा। मुंशी महतो 3 गो पियकर देखी नामी गांव, हां नाम ओकरा ले आवे हलिए यहां की गामा शांति रहे, कहनु की ओकरा चल तोरा हमसे मुहा के संभा में से पूरा में इंग्लिश से पी ले आवे घरी, लेकिन चलो वहां वो भी आता है इनके दरबार में कूट रहता पर वो मौन जैसे ने। तो मुखिया जी ये एक्चुअल में जो मूर्ति है हनुमान जी, ये कहां से आया और ये कैसे ये प्रथा शुरू हुई, ये आप तो बता सकते हैं, थोड़ा बहुत जो जानकारी हो बता सकते हैं। बताते थे जी,
कि दोनों गांव का संबंध इस प्रकार पड़ा कि रास्ता हम लोग को इनका जो गंगा धार जाना था विजयगढ़, और उसी बीच में हमारे गांव है, ये बेचारे जा रहे थे वहीं हम लोग मिल गए, आखिर घाट पर मिल गए, कोई लोग कहते हैं पूर्वज घाट पर मिल गए, जो कि वहीं रहने लगे, गान बजान हुआ, प्रेम मिल गया, उसी समय से सतबंध हुआ कि आप आने का एक रास्ता अपनाइए हमारे गांव। पूर्वज ने कहे कि भाई जाने के लिए वहां कुछ हम अपना व्यवस्था करेंगे तब न जाएं, तो आखिर कोई रूप पकड़ के, तो रूप तो यही मिला, संबंध तो नहीं हमारा इनका में था, लेकिन एक दिन था तो बजरंग बली का स्थान रूप धारण किए कि बजरंग बली का स्थान है, प्रत्येक साल हम लोग जो है इस दिन जाएं कि जिस दिन हमको पूर्णिमा पड़े, तो कौन पूर्णिमा जाए भाई, माघी पूर्णिमा होता है, माघी है तो फागुने का पूर्णिमा में माना जाए, तो फागुन का पूर्णिमा समझ करके होलिका दहन करने के लिए महल से बाहर पूर्वज ने सब दिन जो है अगजा जलाए, तो हम जो है अपना ये बाहर जलाने का सतबंध कर लिए होंगे पूर्वज, जो कि आज हम तो भानपुर में तो ये अगजा नहीं जलता नहीं, यहीं यहीं जलता है। तो ये जो हनुमान जी की मूर्ति है ये भानपुर वाले के हाथ में था, ये मतलब इनकी मूर्ति है या मन्ना गांव का मूर्ति? नहीं, इन्हीं का मूर्ति है। मूर्ति तो सुने हम कि गंगा का है, मूर्ति तो हम भगवान के हैं, ये दोनों आदमी गंगा में हेले जी, हेल करके दोनों आदमी डुबकी लगाए जी, और वेंडर पे खत्म भी ले जी, उन्हीं को पूजा खा लेना, उन्हीं को पूजा करना जी। तो हमारा गांव वाले को बजरंग बली का मूर्ति मिला जी, और इनको काली जी का मूर्ति, ओहो अच्छा जी, समझ गए जी, वही मूर्ति लेकर के पूजा। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब ये गंगा से निकला हुआ मूर्ति, मतलब तो ये बहुत पुराना मूर्ति है, और वो भी गंगा जी से निकला हुआ मिला है। तो सोचिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया और बनाकर यहाँ पर रख दिया, ये ऐसा है जो गंगा से इनके हाथ में आया, ये मूर्तियाँ आई हैं, जो एक हनुमान जी की मूर्ति है और एक काली जी की मूर्ति है। तो समझ सकते हैं ये कितना पुराना है और कितना अद्भुत। आप आएंगे, हमने देखा एकदम छोटा सा मूर्ति है, आपको आने के लिए मैंने वीडियो करने की कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सजाया हुआ है, तो छोटा सा है दूर से, फिर भी मैंने जूम करके करने की कोशिश किया है, आपको दिखाएंगे कितना छोटा मूर्ति है। अभी सुनलियो कि आप लोग सुनते हैं कि आप लोग वहाँ से आते हैं, फिर में क्या करते हैं, यहाँ पर भजन गाने के लिए आते हैं या क्या करने हैं? आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तो जा करके यहाँ जब आते हैं जी, तो जो दल पंडित जी देने के लिए जाते हैं, उस दल को लेते हुए जी, यहाँ जो हरनाम होता है, हरनाम का संकल्प होता है, हरे कृष्ण हरे राम जी, यही जो हम लोग नारा लगा करके जो है वो 4 बजे शाम में, जब लोग अगजा के समय से शुरुआत करते हैं, 4 बजे शाम में जो है ध्वजा फेर के क्रम में अपना जो है भजन खत्म करते हैं, हरनाम करते हैं जी, हरनाम करते। तो ऐसा कुछ है कि 24 घंटा होता है, 12 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कोई ऐसा नियम नहीं है, जब शुरुआत हुआ ध्वजा नहीं फेर होगा जब तक होते रहे, होने के बाद में, लेकिन एक्चुअल 4 से 5 बजे इसके बाद में रंग अबीर चलेगा, इसके बाद में समापन होगा जी। क्या बोले, चैता चलता। तो यहाँ पर तो लगता है 2-3 दिन लग जाता होगा होली में, कभी कभी ऐसा तो सुने हैं। कल रात में आए हैं तो सारा दिन, कल है यहाँ से बहुत जल्दी छुट्टी मिलेगा 11 बजे। तो ऐसा लगता है मुझे, इंडिया में भी कोई नहीं मनाता होगा, इंडिया में कितने 2 घंटा 4 घंटा होली मनाता है, यहाँ पर लगता है 36 घंटा 48 घंटा होली मना जा लिया जाता है, और पूरा गाँव मिलकर, सिर्फ एक नहीं कि कुछ बुजुर्ग आ रहे हैं, मतलब ये देख लीजिए, ये सबसे बड़ा होली खेलने वाला है, इससे लेकर बुजुर्ग आदमी तक सभी तक पहुंचे हुए हैं, ऐसा गांव में बचा नहीं हुआ कोई, छोटा से लेकर बड़ा सभी पहुंचे हुए हैं, है ना, और पूरे एकदम खुशी रहते, सब मजा करते हैं, एकदम लगता नहीं है कि सब बाहर के हैं, सब एकदम घुल मिलकर एक साथ रहकर बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो आया हूँ, बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये जो बजरंग बली का मूर्ति जी, हाँ, ये मूर्ति का 3 गो चोर लेकर के भागा। अच्छा जी, सब भागा तो आकर के यही सामने सामने गेहूं के खेत में तीनों अंधा हो गया। अरे बाप, अब वो किधर जाए, अब मूर्ति को ऐसे मुठ में पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब वो कहाँ पर है, मुट्ठी भी नहीं खुलता है उसको। अच्छा, तो मूर्ति गिरेगा कैसे, और मूर्ति और वो चारों तरफ घूमता है, इधर किधर जाएगा उसका पता ही नहीं चलता है। अरे बाप,
है, तब गांव वाले देखे यहाँ उनको, तब उनको ला करके बोला, तब पकड़ा है, तब जला करके वो चीज़ वहाँ जमा किया है, माफ़ी मांगा है, तब वो लोग को पहुँचा दिया गया है, उनके घर पहुँचा गया। तो उनका आँख ठीक हुआ कि वो अंधे ही रह गए? नहीं, ठीक हो गया। तो सोचिए कि एक ये इनका कहना है कि तीन लोग थे जो मूर्ति को चोरी करने के लिए आए थे। अभी मैं जब बता रहा हूँ कि 500-600 साल पुराना मूर्ति है, बहुत सारे चोरों का भी इच्छा हो रहा होगा चोरी करने के लिए। दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तीन लोग अंधे हो चुके, क्यों बोल रहे हैं, गेहूं के खेत में अंधे हो गए और वो बाहर भाग नहीं पा रहे थे, और हाथ में मूर्ति रह गया क्योंकि छोटा है, तो उसको लेकर रखे हुए थे कि शायद इससे कुछ फ़ायदा हो, लेकिन हुआ नहीं, नुकसान ही हो गया। फिर हनुमान जी से माफ़ी मांगा गया, उसके बाद वो साइड ठीक हुए ना, उसको फिर उसके बाद रिलीज किया गया, उनको छोड़ा गया। बिल्कुल गाड़ी था, समझे ना। अच्छा, आज जब चाबी लगाया तो बक बक दम चालू होने लगा। अच्छा, और फिर आराम से यहाँ पर आया, कुल हंसी खुशी से मनाते। अच्छा, हुए तो चाबी क्या हुआ था? चाबी था लेकिन गाड़ी ठेलको था। अच्छा, धक्का मार के जाने चाबी दिया ना तब। अच्छा, वो चलता नहीं था, लेकिन यहाँ के नाम पर कि यहाँ जाना है तो गाड़ी में चाबी लगाते ही यहाँ गाड़ी चालू हो गया और आ गया, मतलब गाड़ी खराब था लेकिन जब यहाँ आने के नाम पर गाड़ी भी ठीक हो गया। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसा अद्भुत होली आपको दिखाए, अभी आपको भजन भी दिखाएंगे कुछ एक अजब सा, मतलब जो आपने देखा नहीं होगा। प्रसाद के नाम पर पटाखा जाता है जो आपने देखा नहीं होगा, तो हम पूरी डिटेल में आपको दिखा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसा कहानी है कि आपको एक साल तक भी सुनाते रह जाएंगे तो आपको ख़त्म नहीं होने वाला। सही बात है। हाँ, ये मतलब हर एक के साथ में, मेरे साथ में, इनके साथ में, सभी के साथ में घटना हुआ है, और जब से घटना घटा है तभी विश्वास हुआ और तभी आए हैं। मैं भी नहीं आ रहा था, तभी से मैं आने लगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कर दीजिएगा। अगर हनुमान जी से आपको कुछ मांगना है, यहाँ पर आकर मांगिए, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमें मिलता है तो आपको मिलेगा, क्योंकि भानपुर गांव मेरे देखे हुए हैं। मेरा जब जन्म हुआ था, सुनते हैं मेरी मम्मी बताती हैं, घर गिरा हुआ टूटा फूटा था, आज हमारा भी घर बना, कोलकाता में भी घर बना, नॉर्मल रिलैक्स है, सभी आराम से, और सभी का लगता है घर में, गांव में शायद ही कोई गांव होगा, घर होगा जिसमें पुआल का घर होगा, नहीं तो सबका छत हो गया, पक्का का घर हो गया, ऐसे बना हुआ है ना जी, उसी तरह से बजरंगबली को देखा। हाँ, पहले तो ऐसा मैंने देखा था, ऐसा जैसे बना हुआ वैसा ही था, अब तो बन गया सब सबका। एक बात और है जी, हम अपना गाँव तो ये करते हैं जी, एगो पर साल से बगल वाला गाँव का आते हैं जी, उनका मनोकामना पूरा हो गया जी, एगो पंखा लगवा दिया है जी, अब पानी का पियाव भी बचा हुआ। अच्छा अच्छा, जो जो पानी का टैंक लगा हुआ उन्होंने बनवाया, मतलब मनोकामना पूर्ण होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, जीव बचा है अब अभी आए। अच्छा, तो लोगों का मनोकामना पूर्ण हो ही रहा होगा। हाँ, हमें सब लोग नहीं आते हैं, हमारा माता बहन भी आते हैं। अच्छा अच्छा जी, वो तो हमारे जैसे मेरी वाइफ भी आई थी यहाँ पर, पूजा करके गई है, और सभी आते हैं, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कहीं से भी किसी को रोक टोक नहीं है, बस चोर संभल कर आए नहीं तो अभी तीन लोग अंधे हो गए, तो अंधा नहीं होना हो तो पूजा पाठ करके चले जाएंगे। शराबी उराबी नहीं आना, और शराब पीकर मांस खाकर ऐसा तो नहीं, एकदम नहीं आना। Thank you.
Yeah.
पहले ही देना चाहिए।
हाँ देखा हुआ है भाई रिकॉर्डिंग कहाँ इंटरनल जगह बात कोई बात नहीं ये पहला वाला जो हुआ था ना Thank you.
रुको नेकरा पहले ले बंद हो यहां से वहां तक कुल लेके चलो आगे बढ़ो पूरा लेना है यहां कपड़ों ने छूटना चाहिए ईमानदार है ये गांव के नहीं ले रहे आए ऊपर आओगे जो हां काफी है और सब पूरा कर दोनों तरफ हां पूरा कवर में आओ और तोर पाछुरे में खड़ा है ना पीछे से को ले आगे ले रहे साधू जी के साधु जी वीडियो लो अब पीछे हम बैठ जाते हैं घूम के एक मिनट रुको तो हम राधा पहले हम वीडियो ले ही होकर बात करते हैं फिर गले तो करो Thank you.
रहने आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हमारे सभी लोगों से, परिवार से, सभी से अनुरोध है वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारी गांव की होली सभी को पता चल सके और ये कहानी सभी को सभी जान सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।